अशरीरी आत्माएं या भूत प्रेत। आज आप अशरीरी आत्माओं के बारे में विस्तार से और वास्तविक जानकारी हासिल करेंगे। आप जानकर हैरान होंगे कि मनुष्य के आसपास अशरीरी आत्माएं हैं। बुरी आत्माओं को हम प्रेत कहते हैं, अच्छी आत्माओं को देवता कहा जाता है। पर मनुष्य के आसपास अशरीरी आत्माएं मौजूद हैं। और कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रगाढ़ मन से सेक्स की आकांक्षा करे तो उन अशरीरी आत्माओं को आकर्षित कर सकता है और सेक्स हो सकता है। कई बार जब आप स्वप्न में सेक्स कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वह स्वप्न ही हो। इसकी बहुत संभावना है कि कोई अशरीरी आत्मा संबंधित हो। इस संबंध में बहुत खोजबीन की जरूरत है। मनुष्य की कामना आकर्षण का बिंदु बन जाती है और जहाँ भी वासना हो वहाँ से खिंचाव शुरू हो जाता है। एक घटना जो पिछले 100 वर्षों से निरंतर अध्ययन की जा रही है मनस्तत्वशास्त्री अध्ययन में लगे हैं, वह मैं आपको कहना चाहूँगा तो ख्याल में आ सके। बहुत बार ऐसा होता है, आपको भी शायद अनुभव हो, सुना हो या किसी के घर में हुआ हो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि घर में अचानक चीजें हिलने डुलने लगती हैं और कोई प्रकट कारण नहीं मालूम होता। आपने किताब टेबल पर रखी है, वह गिरकर नीचे आ जाती है। आपने बर्तन बीच में टेबल पर रखे हैं, वह सरककर किनारे पर आ जाते हैं। आपने खूंटी पर को टांगा है, वह एक खूंटी से उतरकर दूसरी खूंटी पर चला जाता है। लोग कहते हैं कि घर में प्रेत बाधा हो गई है। मनस्तत्वविद 100 साल से इसका अध्ययन कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, और हर बार ये पाया गया कि ऐसी घटना जब भी किसी घर में घटती है तो उस घर में कोई जवान युवती होती है जिसका मेंसेज शुरू होने के करीब होता है या शुरू हो रहा होता है। हमेशा जब भी ऐसी घटना किसी घर में घटती है तो कोई युवती होती है जो अभी काम वासना की दृष्टि से प्रौढ़ हो रही है और उसकी प्रौढ़ता इतनी प्रबल है कि उस प्रबलता के कारण प्रेत आत्माएं आकर्षित हो जाती हैं। अब इस पर वैज्ञानिक अध्ययन काफी निर्णय ले चुका है, उस स्त्री को उस युवती को घर से हटा दिया जाए, ये उपद्रव बंद हो जाता है। वह जिस घर में जाएगी वहाँ उपद्रव शुरू हो जाएगा। ये भी पाया गया है कि कुछ घरों में अचानक कपड़ों में आग लग जाती है, कोई कारण नहीं मालूम पड़ता। और जितने अब तक अध्ययन किए गए हैं इस तरह के मामलों में पाया गया है कि घर में कोई युवक हस्तमैथुन करता होता है, इस हस्त सेक्स करने वाले युवक को हटा दिया जाए तो घर में आग लगने की घटना बंद हो जाती है। हस्तमैथुन की स्थिति में प्रेत आत्माएं सक्रिय हो सकती हैं। जब भी व्यक्ति काम वासना से बहुत ज्यादा भरा होता है तो देही आत्माएं भी संलग्न हो जाती हैं और सक्रिय हो जाती हैं, और उनकी सक्रियता बहुत तरह की घटनाओं का कारण बन सकती है। प्रेत आत्माएं भी अक्सर उन्हीं लोगों में प्रवेश कर पाती हैं जो काम वासना को इतना दबा लिए हैं कि जीवन के सहज शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो फिर उनके देह रहित आत्माओं से वासना के संबंध स्थापित होने शुरू हो जाते हैं। थैंक्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बी ब्लेस्ड। Thank you.